हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शिखा में। एंड आई विश आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं आज यहाँ पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक अनदर वीडियो, जो कि है मेरा मेकअप कलेक्शन। सो मेरे पास मेकअप कलेक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत यूज़ तो मैं करती हूँ और थोड़े बहुत चीज़ें हैं मेरे पास, तो वही सब मैं आपको दिखाऊंगी। और जो चीज़ें हैं भी मेरे पास वो सब मेरी पसंद की हैं जो मैंने ली हैं। और जो मेकअप कलेक्शन होता है ना, उसमें ऐसा होता है एक्चुअली कि टाइम के साथ चीज़ें उसमें ऐड भी होती चली जाती हैं और उसमें से कुछ चीज़ें निकलती भी जाती हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जो एक्सपायरी हो जाती है वो निकल भी जाती हैं। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास जितना भी मेकअप है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा मेकअप कलेक्शन क्या है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं, मैंने अपना सारा मेकअप यहाँ पर ला के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इतना सारा मेरा मेकअप है जो कि कैमरे के उसमें आ भी नहीं रहा है। सो एक एक करके मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाऊंगी, बताऊंगी कि मेरे पास क्या क्या है। और तो चलिए फर्स्टली मैं आपको जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना मेकअप में, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उनको लगाना और जिनके बिना मेरा काम नहीं चलता, वो जो चीज़ें हैं सबसे पहले है लिपस्टिक। तो मैं लिपस्टिक बहुत बड़ी फैन हूँ लिपस्टिक की, लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है और अभी भी मैंने लिपस्टिक ही लगाई हुई है बस। सो ये है मेरे पास मेरी लिपस्टिक्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इस तरीके की बास्केट में रखी हुई है, ये देखिए, आई होप आपको दिख रही होंगी। तो ये सारा कलेक्शन मेरा लिपस्टिक का है और लिपस्टिक में मेरे पास मोस्टली बुलेट लिपस्टिक्स हैं और क्रियॉन है। और सबसे ज़्यादा मैं लिपस्टिक में जो यूज़ करती हूँ, मुझे सारा मेकअप मैट फिनिश में अच्छा लगता है, मैट की लिपस्टिक, और मैट में ही मेरा सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट वगैरह सब कुछ मैट होता है। तो लिपस्टिक के साथ साथ मैं आपको कुछ अपने लिप कलर्स, जो लिप लाइनर्स होते हैं, मैं उनको भी एज ए लिपस्टिक की तरह मैं यूज़ करती हूँ। ये सारे मेरे लिप लाइनर्स हैं। सो मैं अब आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। तो मैं इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ अपना मेकअप, इस तरह से मैंने बास्केट में सारी लिपस्टिक एक साइड की हुई है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एले 18 की बहुत सारी लिपस्टिक हैं, जो कि मैंने बहुत सारी फेक भी दी हैं क्योंकि ख़त्म भी हो गई थी और एक्सपायरी भी हो गई थी बहुत सारी। तो एले 18 के कलर्स हैं इसमें। और ये है मेरा लिप क्रेयॉन जो कि लैक्मे का है। और ये क्या है, ये है स्विस ब्यूटी की मेरी लिपस्टिक है। तो मेरे पास स्विस ब्यूटी की दो लिपस्टिक्स हैं, तो ये सारी मेरी लिपस्टिक्स हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो आई मेकअप है, वो मैं बहुत कम करती हूँ, मतलब ना के बराबर ही करती हूँ आई मेकअप। तो मेरे पास आई मेकअप से रिलेटेड चीज़ें बहुत कम हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ना के बराबर हैं। सो ये कुछ एक आई शेडो पैलेट नहीं, आप डस्ट कह सकते हैं, आई शेडो है ये, तो जो कि स्पार्कल में है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्पार्कल मोड में है। मतलब स्पार्कल जो होते हैं एकदम ये हाईलाइटेड वाली, जो आपको मेकअप करना हो तो उसमें ये काम आता है, ये डस्ट फॉर्म में है। तो ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आई डोंट थिंक सो कि मैंने इसको कभी यूज़ किया होगा, बहुत कम यूज़ किया है मैंने इसको। और इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा सनस्क्रीन जो कि ये मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है। और उल्टा दिख रहा है इसमें क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, ये लोटस का है, तो लोटस इसमें उल्टा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये लोटस का है और ये बहुत ही अच्छा है, 3-in-1 है, मैट लुक में है, ये मेरा फेवरेट है। मैं दो लेकर आई थी, एक ख़त्म हो चुका है, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है। तो ये मेरा सनस्क्रीन है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है और मैं डेली में इसी को ही यूज़ करती हूँ और कुछ भी यूज़ नहीं करती। सनस्क्रीन के साथ मैं आपको दिखाती हूँ हमारे, मेरे पास दो फाउंडेशन है जो कि मैं फाउंडेशन भी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, एज यू कैन से कि मैं बहुत ना के बराबर ही यूज़ करती हूँ। अगर मुझे पार्टी फंक्शन में भी जाना होता है ना, तो मैं बीबी क्रीम सीसी क्रीम से काम चला लेती हूँ क्योंकि फाउंडेशन मुझे बहुत कम सूट करता है एक्चुअली। सो मैंने यहाँ पर लिया है एक लैक्मे का एब्सोल्यूट वाला ऑर्गेन ऑयल वाला जो मेरा फाउंडेशन है, और एक मेरा ये फाउंडेशन है, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा आपको ड्यू एक लुक देता है और ये थोड़ा आपको मैट फिनिश देता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये बहुत महंगा आया और जैसे क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो मतलब आप इसको 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ये दो मेरे फाउंडेशन हैं और इसी के साथ में मेरा है प्राइमर, सेम ब्रांड का है, ये है मेरा प्राइमर जो कि ऑलमोस्ट फिनिश है। और ये है मेरी मेबलिन और लैक्मे की बीबी क्रीम। सो ये है लैक्मे 9 to 5,
जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सीसी क्रीम है लैक्मे की, जो कि अच्छी है, अच्छी है, अच्छी लगती है। मतलब अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको फाउंडेशन की ज़रूरत है। डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है, और फाउंडेशन का इस्तेमाल तभी करो जब आपको एक हैवी मेकअप लुक चाहिए, तो आप करो तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ ये हल्का फुल्का मेकअप जो आपको करना है डेली बेसिस पे, और मैं तो पार्टीज़ में भी इसी को यूज़ करती हूँ। और एक बीबी क्रीम है मेरे पास, तो वो तो सीसी क्रीम थी, ये है बीबी क्रीम। मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, तो इसीलिए ये थोड़ा प्रॉपर क्लियर नहीं है। ये मेबलिन की है बीबी क्रीम, इसका भी इस्तेमाल मैं करती हूँ, कम ही करती हूँ क्योंकि मैं अभी सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ। और ये है गार्नियर लाइट, तो कभी भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करने का मन करता है कुछ क्रीम, तो मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है। सो ये मेरे कुछ कलेक्शन आपने देख ही लिया है जो कि क्रीम्स का है। और कॉम्पैक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कॉम्पैक्ट है वो है ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट। आप देखिए इसकी कंडीशन जो है क्या है, कि पूरा ख़त्म हो गया है। अब ये जो सेंटर में ना बीच में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, आसपास ही बचा है, तो इसको भी मुझे न्यू लेना है। लेकिन जब तक मैं इसको पूरा फिनिश नहीं कर दूँगी, लूँगी नहीं, ख़त्म नहीं कर दूँगी जब तक, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, तो मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। मेबलिन का है, और एक मेरे पास है फिनिशिंग पाउडर है मेरे पास लैक्मे का 9 to 5। तो ये मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। अगर फाउंडेशन यूज़ नहीं करती तो मैं ये वाला कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करती, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, और मेरा फेवरेट भी है, लेकिन तभी जब मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन के साथ अच्छा काम करता है। और अब बात करते हैं मेरी मेकअप पैलेट की, तो ये है मेरा प्रो मेकअप सिवन्या कलर मेकअप पैलेट। ये मेरा पूरा पैलेट है, ये जो पैलेट है ये इंडिया का नहीं है, ये गिफ्टेड है, ये बैंकॉक का है। सो ये पैलेट आया था बैंकॉक से मेरे लिए, आप देख सकते हैं। इसमें ये है आई शेडो, ये वाले आई शेडो मैंने यूज़ किए हैं बिकॉज ये बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये शिमर में है, आप इसको ब्लश की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये लिपस्टिक्स हैं, और ये भी ये मैट में, आप इसको मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं एज ए ब्लशर। और यहाँ पर है हमारा कॉम्पैक्ट जो कि ख़त्म भी हो चुका है। तो ये जो मेरा पैलेट है ना, ये मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। मैंने इसमें से ज़्यादातर चीज़ें यूज़ की हैं और ख़त्म भी कर दी हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा है, इसका बहुत ही अच्छा है। तो और अब इसके बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ है, मैं चीज़ें हटा देती हूँ जो इसके ऊपर से मैंने आपको दिखा दी है, बिकॉज स्पेस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम स्पेस है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात करते हैं मेरे नेल प्रिंट्स की, तो ये है मेरे नेल प्रिंट्स। मुझे नेल प्रिंट्स लगाना बहुत पसंद है, मतलब अगर आप कहें कि मुझे मेकअप में क्या चाहिए दो चीज़ें, तो वैसे सनस्क्रीन तो मेकअप में नहीं आता, वो एक तरीके से आपकी स्किन केयर है, तो सनस्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लिपस्टिक चाहिए और नेल प्रिंट चाहिए, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता, अभी भी मैंने लिपस्टिक ही लगाई और कुछ और अप्लाई नहीं किया है। सो नेल प्रिंट्स आप देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे नेल प्रिंट्स हैं, और जितने नेल प्रिंट्स आप देख रहे हैं ना, इसमें से इतने ही नेल प्रिंट्स ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिए होंगे, और जो सूख गए होंगे जो मैंने फेंक दिए हैं। तो मैं नेल प्रिंट्स तो, जैसे मैं कभी बाहर जाती हूँ ना, तो कुछ और लाऊं ना लाऊं, नेल प्रिंट्स तो एक उठाई लाती हूँ, कोई भी कलर मुझे अच्छा लगता है। तो ये कुछ कलर्स हैं मेरे पास, बहुत सारे कलर्स हैं, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल कलर्स मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो है ये नेल आर्ट में काम आते हैं, ये जो कलर है ये देखिए, ये ना स्पार्कल है, ये गोल्डन स्पार्कल वाला है, और ये ग्रीन स्पार्कल वाला है। जैसे आपने कोई भी नेल पेंट यूज़ किया, आप उसके ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आप ये वाले कलर से, आपने कोई भी नेल पेंट लगाया, आप इसके ऊपर इसको अप्लाई कीजिएगा, तो जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। स्पार्कल आपको फैंसी कुछ चाहिए, आप नहीं करवा रहे कोई भी नेल आर्ट, तो आप ये सब यूज़ करेंगे ना नेल पेंट के ऊपर, तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो मेरे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, ये गोल्डन है, ये ग्रीन में है, और ये ब्लैक वाला है, ये जो कि ना ख़त्म हो गया है, ये आई थिंक हाँ ख़त्म हो गया, ये थोड़ा ही बचा होगा इसमें। तो ये कलर से एक ये है कलर है मेरे पास, तो ये जो कलर है स्पेशली ये बैंकॉक के हैं, ये इंडिया के नहीं है, और ये बहुत अच्छे हैं। इसको लगाते ही आपका नेल पेंट सूख जाता है और जल्दी निकलता भी नहीं है, तो अगर आपको लाइफ बढ़ानी है अपनी नेल पेंट की, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें ऊपर से। तो ये सारे कलर्स हैं, तो ये है मेरे नेल पेंट कलेक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरे पास कुछ, फर्स्टली मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जो नेल
जो लिप लाइनर्स होते हैं मैं उनको भी एज अ लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे लिप लाइनर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बॉक्स दिखाती हूँ जो कि मैंने बाय किया था अमेजोन से। सो ये जो पूरा बॉक्स है इसमें कितने कलर्स हैं, लेट मी चेक। इसमें लिखा नहीं, ऊपर इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। तो मैंने ये सारे, मैं लिपस्टिक के साथ में ये देखिए इतने सारे कलर्स हैं जो कि मैंने बाय करे हैं अमेजोन से। और ये इतने अच्छे नहीं हैं, फ्रेंकली मैं बोलूँ तो ये इतना अच्छा कलर नहीं देते, मगर ये फिर भी काम चलाने लायक है। आपको अगर आपने इनको अप्लाई किया है तो आपको बार बार लगाने पड़ेंगे, ये ऐसा है इनका हिसाब। सो ये भी मेरे लिप लाइनर्स हैं, और भी मेरे पास बहुत सारे लिप लाइनर्स हैं, और एक आध और लिप लाइनर होगा जो कि मेरे बैग में पर्स में पड़ा होगा। सो ये देखिए ये सब मेरे, सो ये सारे मेरे लिप लाइनर्स हैं। आप देखिए कितने सारे हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाए थे ये वाले अलग हैं, और ये वाले हैं जो मैंने एक एक दो दो करके ही खरीदे हैं। ये तो ये सारे लिप लाइनर्स हैं मेरे पास, बस। तो ये इतने सारे मेरे पास लिप लाइनर्स हैं, और जो अभी मैंने अप्लाई किया है वो भी मैंने लिप लाइनर ही यूज़ किया है। मैं एज अ लिपस्टिक लिप लाइनर ही यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये अच्छा मैट फिनिश देती है। ये वाला कलर कहाँ आ गया, ये वाला। सो मैंने अभी, सॉरी ये नहीं, ये वाला, सॉरी सॉरी सॉरी। सो मैंने ये वाला लिप लाइनर यूज किया है एज अ लिपस्टिक। तो ये वाला मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया, काफ़ी लंबा था ये यूज़ कर करके। तो ये सारे मेरे शेड्स हैं, और मुझे लिपस्टिक पसंद है तो लिप लाइनर के थ्रू मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। पुलेट्स को लगाती हूँ, जब जैसा मन करता है वैसे लगा लेती हूँ। और अब जैसे कि मैंने बताया मेरे पास आई मेकअप बहुत कम है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास जो भी है। ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास आई मेकअप में। तो ये है मेरा मेबलिन का मस्कारा जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वाला। जो मैंने बहुत मस्कारा ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, लाइनर भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, मस्कारा ही मैं डेली बेसिस पे करती हूँ यूज़। तो ये मस्कारा है वो वाला मेबलिन का। और एक ये मस्कारा है जो कि मेरा अभी इस टाइम मोस्ट फेवरेट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको CV3 करके नाम है इसका, तो ये पेरिस का है, CV3 पेरिस। तो ये क्या है, अगर आपको बहुत हैवी लेंसेज चाहिए ना अपने, तो आप ये वाला यूज़ करो। ये जाता भी नहीं, वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा है, और बहुत सस्ता आया था जिस हिसाब से ये अच्छा है। 180 का आया था, और 180 के हिसाब से ये मुझे मेबलिन से भी बेटर लगता है, ये बहुत अच्छा निकला। और मस्कारा मेरे पास ये दो हैं, और ये है मेरा एक लाइनर, ये ब्लू हेवन का लाइनर है मेरा, आप देख सकते, लिक्विड लाइनर है। मैं आपको दिखा देती हूँ खोल कर, ये देखिए, ये देखिए ये इस तरीके का है। इसका जो ये ब्रश है ना, ये भी बहुत अच्छा है। इसका इसको यूज़ करना इजी है, मतलब जो लोग बिगनर्स हैं जिन्हें मेकअप ज़्यादा आता नहीं, लाइनर लगाना नहीं आता, वो भी लगा लेंगे इससे। और ये है मेरा स्केच लाइनर, ये है मेरा काजल पेंसिल जो कि लैक्मे की है, आप देख सकते हैं। काजल मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, पर मेरे पास है, कभी कभी मन करता है तो लगा लेती हूँ। और ये भी मेरा स्केच लाइनर है, तो ये भी मेरा स्केच लाइनर है, एज यू कैन सी। ये भी CV3 का है, सेम ब्रांड के हैं ये दोनों, स्केच लाइनर और मस्कारा दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और ये है मेरी फेक आईलैशेस, मैंने इनका अभी तक यूज़ नहीं किया, पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब मैं इनको यूज़ करूँगी। और ये है मेरी नर्फ की है आईब्रो पेंसिल, बस एक यही पेंसिल है और मेरे पास कुछ नहीं है, बस इतना सा ही। सो बस इतना सा ही मेरे पास मेकअप है। आई होप, आई विश कि आपको मेरा ये मेकअप कलेक्शन का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके क्या सजेशंस हैं मुझे लेकर, मेरे चैनल को लेकर, मेरी वीडियोज़ को लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।